हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइट सीएसआईटी। माय नेम इज पूना। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे डेडिकेटेड बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की तैयारी होती है। ऑल दो कुछ टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी कुछ रीजन की वजह से, बट अब मैं कोशिश करूँगी कंटिन्यू करने की। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार स्टेट एग्जामिनेशन डेट आउट हो चुका है। पेपर वन का एग्जाम हो रहा है और पेपर टू का एग्जाम 11 जून से 20 जून तक दिया गया है, और उसी बीच हमारा कंप्यूटर साइंस का एग्जाम कोई दिन हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का सेम मैसेज आ रहा है कि मैम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाइए, क्योंकि टाइम अब ज़्यादा है नहीं कि हम सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश करें। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैंने कल वीडियो बनाया था इस पर कि हमने आप लोगों के लिए एक नया इनिशिएटिव लिया है, जहाँ पे आप ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ब्राउज़र पे सर्च कर सकते हैं insightcsit.in, वहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। जैसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगा। आप जैसे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस पे क्लिक करिएगा तो सारा जितना भी सब्जेक्ट है एसटैट के सिलेबस में, वो सब आप एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखा है, जिस यूनिट का भी अभी नहीं हुआ है अपलोड, जल्द ही हो जाएगा। आप यहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं यहाँ पे। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 99 रुपीज मेंशन किया हुआ है। ये 99 रुपीज का अगर आप परचेज कर लेते हो कहीं से भी, तो आपको सारे एक्सेस मिल जाएंगे। मतलब कि आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, मतलब सारा जो भी है यहाँ से आप स्कैन कर सकते। तो बस इसके बारे में छोटा सा बताना था कि अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं, या फिर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं जस्ट लाइक एग्जामिनेशन, तो आप इसको विजिट कर सकते हो एक बारी। तो अगर आपको सही लगे तो आप यहाँ पे ज़रूर परचेज कर सकते हैं। ओनली 99 रुपीज़, बहुत ही नॉमिनल चार्जेज है गाइज। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन मैंने लिया है TRE 1 TRE 2 का। इस वीडियो में मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाती हूँ, तो कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी मैं लेती हूँ, तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आया हुआ रहता है कि इतना इजी तो एग्जाम में नहीं आने वाला है, थोड़ा और टफ लाइए, ये लाइए, वो लाइए। आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और जस्ट फॉर रिवीजन लैकिंग, अगर आपका रिवीजन नहीं सही से है तो वही सब क्वेश्चन छूट जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके सामने है ये क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि ये बहुत ईजी है और ये हार्ड है तो नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा ये ना हमें पता है, ना आपको पता है, किसी को नहीं पता है। तो इसलिए क्या है कि जो भी सिलेबस में दिया हुआ है, बेसिक टू एडवांस हमें कवर करके चलना है। तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। आप सोच सकते हैं कि जहाँ भी कंप्यूटर की पढ़ाई होती है, अगर मैं UKG की बात करूँ, तो वहाँ बताया जाता है कि कंप्यूटर के पिता कौन है, और ये एग्जाम हमारा आया था BPSC TRE 1 में। आप सोच सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे। तो मेरा कहना बस ये है कि कोई भी क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि ये तो बहुत इजी और ये बहुत हार्ड है। मैं इसके बारे में नहीं कह रही हूँ, तो सबको पता ही होगा, बट फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि ये तो बहुत इजी है, ये तो आएगा ही नहीं कहकर हम लोग क्या करते हैं, उसकी रिवीजन नहीं करते हैं, और फिर वही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फिर एग्जामिनेशन में लगता है कि काश थोड़ा सा रिवाइज कर लेते तो ये क्वेश्चन हमारा बन जाता। तो अभी भी टाइम है, एकदम बेसिक से लेकर चलो, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। नोट्स के फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और नोट्स के लास्ट लाइन से क्वेश्चन आ जाता है, अगर सिलेबस में वो चीज़ है तो। तो चलिए आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन लिया है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी TRE 1 और TRE 2 में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। सभी जानते होंगे कौन है, चार्ल्स बेबेज। लेकिन बाकी के ये लोग कौन है, जेम्स गॉसलिंग, डेनिस रिची। तो जो हमारे जेम्स गॉसलिंग हैं, ये हैं जावा प्रोग्रामिंग के फादर्स, जावा प्रोग्रामिंग। जावा प्रोग्रामिंग के कौन है, फादर्स हैं। हो सकता है अभी कंप्यूटर का पूछा है, नेक्स्ट एग्जाम में ये भी पूछ दे। और डेनिस रिची कौन है, सी। आई होप आपको याद रहेगा। और क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कंफ्यूज कौन करता है, ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव, और इससे भी ज्यादा ये क्वेश्चन। तो खास ध्यान रखेंगे इसका। इस क्वेश्चन का मैं नहीं बोल रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन में ऐसा रहता है कि एक ऑप्शन का आंसर पता है, हो सकता है कि ये भी सही हो बट हमें नहीं पता, और ये ऑप्शन देखकर हम बस इसको लगा के आ जाते हैं और फिर क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है। तो ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ईजी, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, मतलब कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं, CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस,
मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, किसको कहते हैं? सीपीयू। जिस तरह से हमारे पास ब्रेन है उसी तरह से कंप्यूटर के पास भी ब्रेन होता है, जो कौन होता है? सीपीयू होता है। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा क्या हो जाता है, एक हमारा इनपुट होता है, यहाँ पे हमारा सीपीयू होता है, जिसमें कि हमारा क्या होता है, यहाँ पे मेमोरी होता है, एएलयू होता है और कंट्रोल यूनिट होता है, और फिर हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। ऐसा ही होता है कुछ। तो इनपुट का क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जो होते हैं वो क्या करता है, इनपुट देने का काम करता है, फिर वो इनपुट को प्रोसेस करने का काम कौन करता है, हमारा सीपीयू, और फिर प्रोसेस करके हमें कौन देता है, आउटपुट, आउटपुट डिवाइसेस। तो ये हमारा कुछ क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर का। मेमोरी हमारा क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या हो गया, जिससे हम इनपुट देते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस होगा हो गया, और आउटपुट डिवाइस क्या हो गया, जैसे प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये सब हमारा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस, साउंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लिनक्स, विंडोज, ओरेकल। सभी को पता होगा लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और कैसा है, ओपन सोर्स। ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब क्या होता है कि इसके जो सोर्स कोड होते हैं वो क्या होता है, पब्लिक होता है, उसी में हम लोग चेंज करके क्या करते हैं, मॉडिफाई करके एक नया सॉफ्टवेयर बना देते हैं, नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना देते हैं और उसका कुछ नाम रख देते हैं। मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, लिनक्स के बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, उबंटू, रेड हैट, काली, ये सब मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा विंडोज़, और ये क्या होता है, फ्री अवेलेबल होता है, और हमारा जो विंडोज़ होता है वो क्या होता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है कि इसके सोर्स कोड फ्री अवेलेबल नहीं होते हैं, इसको हमें परचेज करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है इसको यूज करने के लिए। और ये ओरेकल, ओरेकल क्या है, हमारा डेटाबेस। या फिर कह सकते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस हो जाएगा यहाँ पे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन इज कॉल्ड। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं कि वो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करवाने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। अब देखो कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जांपल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अब यहाँ पे क्या करते हैं लोग, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एग्जाम्पल्स में, ऑप्शंस में दिया हुआ है मोर देन वन ऑफ द एबव, तो क्या करते हैं, डी लगा के आ जाते हैं। बट सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता है, इसी का एक वर्जन क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और इसमें बहुत सारा आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में भी मैंने डिस्कस कर रखा है, क्या होता है इसमें, जैसे अगर एक बेसिक एग्जाम्पल लिखे तो एंटीवायरस। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि हमारे सिस्टम को स्मूथ काम करवाना, जैसे एंटीवायरस हो गया, ड्राइव को जो हम लोग डिवाइड करते हैं वो हो गया। तो देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि हमारे सिस्टम को स्मूथ फंक्शन करे, स्मूथ फंक्शनिंग करे, मतलब अच्छे से काम करे, तो उसका काम होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है सारे सॉफ्टवेयर के टाइप्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर देखिएगा, उसमें आपको डिटेल डिस्कशन इस पर मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑल्दो एग्जांपल्स ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही है, बट ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि वो दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार नहीं करता है। तैयार कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ही यही होता है,
वो दूसरे के लिए क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, दूसरे इन द सेंस की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे एम एस ऑफिस सूट वगैरह होते हैं, तो उसके लिए क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है जिससे कि जिस पे कि वो रन कर सके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है TRE2 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। द कीज यूज टू डिलीट अ फाइल विदाउट अलाउइंग इट टू स्टोर इन रिसाइकल बिन। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि डायरेक्ट डिलीट, एक हम लोग क्या करते हैं डिलीट करते हैं तो हमारा कहाँ पे चला जाता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिसाइकल बिन में ना जाए, हम डिलीट करें तो वो डायरेक्ट वहीं से डिलीट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा डायरेक्ट डिलीट कर देते हैं, या फिर शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं, या फिर कंट्रोल प्लस डिलीट करते हैं, या फिर कोई इनमें से मोर देन वन ऑफ द एबव करते हैं, या फिर नन ऑफ द एबव। तो जो हमारा डायरेक्ट डिलीट होता है उसका होता है शिफ्ट प्लस डिलीट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है, इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ। यहाँ पे कह रहा है कि इंटेल 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किस जनरेशन का है। जैसे हमारा कंप्यूटर होता है ना, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4, जनरेशन 5, उसी तरह से हमारा इंटेल जो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर, उसका भी जनरेशन है। तो पूछ रहा है कि 8085 जो है वो किस जनरेशन का है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, मोर देन वन ऑफ द एबव है, नन ऑफ द एबव है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। जो हमारा इंटेल 8085 है वो क्या है, सेकंड जनरेशन का है। इसके 4 या 5 जनरेशन होते हैं, जैसे मुझे कुछ कुछ याद है। फर्स्ट जनरेशन की बात करूँ अगर, तो हमारा होता है इंटेल 4004। अगर सेकेंड जनरेशन की बात करूं तो होता है इंटेल 8008। थर्ड जनरेशन की बात करूं तो इंटेल 8086। और मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है, अगर आपको चाहिए होगा इस पे डिटेल डिस्कशन तो हम कर लेंगे, आप जैसा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसमें जैसे कि साइज भी होता है, ये 4 बिट का होता है, ये 8 बिट का होता है, ये 16 बिट का होता है, नेक्स्ट जो आएगा 32 बिट्स का होगा, इस तरह से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। अब देखो इससे भी इजी क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्लेइंग वीडियो गेम। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जिससे हम वीडियो गेम प्ले करते हैं, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो ऑब्वियस है यहाँ पे क्या है, सारा है, सारे से ही हम वीडियो प्ले कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं, ट्रैक बोर्ड से भी कर सकते हैं, जॉयस्टिक से भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज टू स्टोर सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट अपडेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन करेगा इनमें से कौन सा है जिसको यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए, जिसमें कि हम कोई चेंज नहीं कर सकते। तो देखो पहला ऑप्शन है SRAM, DRAM, RAM, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो देखो ये क्वेश्चन कहाँ से है, मेमोरी से है। मेमोरी हमारा क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है, एक तो प्राइमरी मेमोरी होता है और एक होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। इसको हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं और इसको हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसको हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और इसको हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में जो है वो क्या होता है, रैम होता है और होता है हमारा रोम। और इसमें जितने भी जैसे पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, SSD हो गया, SSD हो गया, इसके ही एग्जांपल्स हैं। तो ये सब, तो रैम के भी क्या है, 2 टाइप्स हैं, एक SRAM है और एक DRAM है। तो SRAM क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। बट यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि वो जिसको हम लोग, जिसमें कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। मतलब कि हम लोग इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ये ऐसा मेमोरी है जो इसमें डेटा रहेगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं। हम लोग उसमें कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर कोई पूछ दे कि इनमें से कौन सा डेटा रहता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें क्या रहता है, फर्मवेयर, या फिर जो हमारा बूटिंग वाला होता है, जब हम लोग सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तो वो हमारा कहाँ रहता है, वो कोड हमारा लिखा हुआ रहता है रोम में, जिसको कि हम लोग कभी भी एडिट नहीं कर सकते, वो क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है,
A computer program that converts a high-level language program into an equivalent machine language program is called. ये TRE 2 के क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सिंपल है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है। फर्स्ट है असेंबलर, दूसरा है कंपाइलर, लोडर, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंपाइलर। क्योंकि कंपाइलर का ही काम क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इन द सेंस कि जो हम लोग लिखते हैं, जो हम लोग समझते हैं, जैसे सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया। अब मशीन लेवल लैंग्वेज जो मशीन समझता है, तो हम तो मशीन वाले लैंग्वेज नहीं समझते। मशीन लैंग्वेज क्या होता है, बाइनरी, जीरो और वन। तो हमें तो ये समझ में नहीं आता है, हम किस में लिखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में। अब मशीन ये नहीं समझता है, तो मशीन को समझने के लिए कौन होता है, तो यहाँ पे कौन होता है, कंपाइलर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंपाइलर। एक ऑप्शन हमारा असेंबलर। तो जो हमारे असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है वो होता है हमारा असेंबलर। असेंबलर का क्या काम है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज उसको क्या कहते हैं, असेंबलर, और लोड करने वाले को कहते हैं लोडर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंपाइलर। एक देखो हमारा होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में बस इतना डिफरेंस है कि इंटरप्रेटर जो होता है वो कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन, और जो हमारा कंपाइलर होता है वो क्या करता है, सारे प्रोग्राम को एक ही बार कन्वर्ट कर देता है। तो ये होता है हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर और असेंबलर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है द कॉस्ट ऑफ अ स्टोरेज अबिट इज मिनिमम इन। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन है जिसका कॉस्ट मिनिमम है, सबसे कम है। तो पहला ऑप्शन है कैश, दूसरा है रजिस्टर, मैग्नेटिक टेप, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक टेप। ये क्वेश्चन देखो यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा एक डायग्राम है जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है, यहाँ पे होता है रजिस्टर, ये रजिस्टर हो गया। इसके बाद होता है कैश, इसके बाद होता है रैम और रोम, मतलब कि मेन मेमोरी। ये कैश हो गया, ये रजिस्टर हो गया, और यहाँ होता है मैग्नेटिक टेप, और फिर उसके नीचे होता है ऑप्टिकल डिस्क। इसके नीचे मैं इधर लिख देती हूँ ऑप्टिकल डिस्क, और उसके नीचे होते हैं मैग्नेटिक टेप। यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क होगा, सॉरी, और यहाँ होता है मैग्नेटिक टेप। तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे डायग्राम नीचे आ रहा है वैसे वैसे क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, घटते जाता है। मतलब कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट किसका रहेगा, रजिस्टर का रहेगा, फिर कैश का रहेगा, फिर मेन मेमोरी रैम रोम का रहेगा, फिर मैग्नेटिक डिस्क का रहेगा, फिर ऑप्टिकल डिस्क का रहेगा, फिर मैग्नेटिक टेप का रहेगा। तो ऑप्शन में क्या कह रहा है कि सबसे मिनिमम, तो मिनिमम कौन है, मैग्नेटिक टेप। तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। फास्ट एक्सेस की बात करें तो सबसे फास्ट एक्सेस वैसे ही रहेगा, जैसे जैसे कॉस्ट ज़्यादा रहेगा एक्सेस टाइम क्या रहेगा, फास्ट रहेगा। रजिस्टर का सबसे ज़्यादा रहेगा, कैश का उसके बाद, फिर मेन मेमोरी रैम रोम का उसके बाद, इस तरह से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टेरा मीन्स। यहाँ पे कह रहा है कि टेरा मीन्स क्या होता है। ये क्वेश्चन देखो कहाँ से आया है, मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग मेमोरी मेजरमेंट में पढ़ते हैं, जो हमारा सबसे मिनिमम होता है वो क्या होता है, बिट होता है। उसके बाद क्या होता है, बाइट। यहाँ पे निबल भी होता है, बाइट होता है, फिर केबी होता है, एमबी होता है, जीबी होता है, और टीबी होता है। यहाँ पे टेरा बाइट ही पूछा है, टेरा मीन्स क्या होता है। तो अब देखो बिट में क्या होता है, जीरो या वन, वन होता है। निबल में क्या होता है, फोर बिट। बाइट में क्या होता है, एट बिट। केबी में क्या होता है, 1024 बाइट। एमबी में क्या होता है, 1024 केबी, सॉरी ये तो जीबी हो जाएगा ना, यहाँ पे ये जीबी और ये टीबी और ये पीबी।
और 1024 MB बराबर हो जाता है 1 GB, फिर 1024 GB बराबर होता है TB, और फिर BB इसी तरह से चलता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है टेरा ये है। तो यहाँ पे एक याद रखना है कि KB में क्या होता है, 2 की पावर 10 होता है, और उसके बाद 10 10 बढ़ाते जाओ, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, 2 की पावर 40, और पूछ क्या रहा है टेरा बाइट, टेरा मतलब क्या होता है, तो 2 की पावर 40 हो सकता है। देखो नेक्स्ट एग्जाम में क्या करे, पेटा का पूछ ले, एक्सा का पूछ ले। PB के बाद देखो होता है EB, एक्सा बाइट। 1024 अगर TB को मिला दे तो बन जाता है 1 पेटा बाइट हमारा, जो कि हो जाएगा 2 की पावर 50 इस तरह से। वही अगर एक्सा बाइट की बात करें तो 1024 PB हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 की पावर 60। इसी तरह से कहाँ तक चलता है हमारा, जियो। यहाँ से एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे अगर स्मॉलेस्ट यूनिट बोल दे तो क्या हो जाएगा, बिट हो जाएगा, और सबसे अगर हाईएस्ट बोल दे तो क्या हो जाएगा, जियो। एक्सा के बाद देखो एक होता है हमारा जेड भी, बता ही देती हूँ, और एक होता है बाई भी, और एक होता है बोरोंटो, BRONTO बोरोंटो बाइट। और इसको 10 10 ऐसे ही बढ़ाते जाओ, 60 है तो फिर 70 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, इस तरह से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम नहीं पूछेगा कि अगर टेरा मीन्स इसमें पूछा है तो नेक्स्ट एग्जाम में भी टेरा ही पूछेगा। हो सकता है कि एक्सा बाइट पूछ दे, जीटा बाइट पूछ दे, जीबी ही पूछ दे, तो हमें ये सब पूरा क्या करना होगा, याद रखना होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द लेंथ ऑफ एन IPv6 एड्रेस इज, ये TRE1 का क्वेश्चन है कि IPv6 एड्रेस का लेंथ कितना होता है। एक हमारा देखो IPv4 होता है और एक हमारा IPv6 होता है। तो IPv4 का जो लेंथ होता है वो होता है 32 bits, और IPv6 का होता है 128 bits। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में 128 bits है ही नहीं, 32 है, 256 है, 64 है, मोर देन वन ऑफ द एबव है, नन ऑफ द एबव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव, क्योंकि IPv6 का होता है 128 bit। अब देखो इस एग्जाम में IPv6 पूछा, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में क्या पूछते हैं, IPv4, तो हमें याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। और आप देख सकते हो कि क्वेश्चन पूछा हुआ ही है TRE1 में, देखो क्या पूछा है, IPv6 का पूछा है, और TRE2 में देखो साइज क्या पूछा है, IPv4। आप देख सकते हो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है ना, पूछा हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 bits। तो आज इतना ही रहने देती हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी। इस वीडियो में ये सब क्वेश्चन लाने का बस मेरा यही मतलब था कि आप किसी भी क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट ना करें कि ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है। अगर वो चीज सिलेबस में है तो आप प्रॉपर रिवाइज कीजिए, बेसिक से एडवांस तक कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।